नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेनू और रेनू की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इजीली होममेड रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की रेसिपी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या किसी फास्ट फूड से रिलेटेड नहीं है। आज हम बनाएंगे प्रसाद, साईं बाबा को भोग में लगाया जाने वाला प्रसाद यानी कि खिचड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। प्रसाद की खिचड़ी बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर 2 कप चावल, 1/2 किलो पालक, ये कच्चा पालक है, इसे अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लिया है। इसके साथ हम यूज करेंगे 1 नारियल, इसको भी हमें बारीक कट करना है। इसके साथ हम यूज करेंगे 1 बड़ी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप घी और 2 बड़ी चम्मच सिंगदाना यानी कि मूंगफली। और दाल के लिए हम यूज करेंगे 1/2 कप मूंग दाल और 1/2 कप मसूर दाल। सबसे पहले हमें कुकर को गर्म होने देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी, आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देना है। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची और जीरा। गैस की फ्लेम को मीडियम करना है, मीडियम फ्लेम पर जीरा और बड़ी इलायची को भूनना है। आप चाहें तो बड़ी इलायची के सिर्फ दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सिंगदाना यानी कि मूंगफली और इसे अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। मूंगफली को रोस्ट करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ पालक, ये पालक हमने कच्चा ही इस्तेमाल किया है। मीडियम फ्लेम पर पालक को अच्छे तरीके से पकाना है। पालक को पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ नारियल और इसे अच्छे तरीके से 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। दोस्तों पालक और नारियल दोनों ही साईं बाबा को बहुत पसंद है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम खिचड़ी बनाने के लिए करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंग दाल और मसूर दाल जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ध्यान रखें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। दाल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप चावल, इन्हें भी अच्छे तरीके से धो लिया है, अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच हल्दी और 1 बड़ी चम्मच नमक, आप चाहें तो सेंधा नमक यानी कि व्रत के नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसाद में हल्का सा तीखापन लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 लीटर पानी। पानी हमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें और पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमें अंदाजा रहे कि इसमें कितना पानी करना है। जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। कुकर को बंद करना है और इसके बाद इसमें 4 से 5 सीटी लगने देनी है। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगाने के बाद आप देख सकते हैं प्रसाद की खिचड़ी तैयार है। ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा थिक है। अगर आपको लगता है खिचड़ी पतली हो गई है तो आप इसमें गर्म पानी करके डाल दें। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है साईं बाबा को भोग में लगाया जाने वाला प्रसाद यानी कि खिचड़ी। ये सच में बहुत ही टेस्टी होती है, जो भी खाता है प्रसाद दोबारा ज़रूर मांगता है।
मिक्स प्रसाद को आप व्रत के उद्यापन पर भी बना सकते हैं या फिर जब भी आप व्रत रखें तब भोग लगाने के लिए भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रसाद की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।